तो गाइज आप लोगों का क्वेरी रहता है कि सर आप जॉब जो रिक्रूटमेंट होते हैं उसके लेके नहीं आते हैं, तो TCS में जॉब पाने का एक अच्छा खासा मौका आप लोगों के पास, आप लोग इस पे देख सकते हो। TCS हैक क्वेस्ट season 8 हो रहा है और इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये 3 कैटेगरी बिगनर इंटरमीडिएट एंड एक्सपर्ट लेवल पे होगा। द पार्टिसिपेंट आर फ्री टू चूज चैलेंज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी एंड इनकाउंटर टू अटेम्प्ट ऑल चैलेंज अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज एंड डेमोन्स्ट्रेट देयर एबिलिटी टू हैंडल डिफरेंट सिनेरियोस। इन द एंड एसोसिएट वी आर अवार्डेड स्पेशल प्राइजेज ऑन पोटेंशियल जॉब ऑफर फ्रॉम TCS साइबर सिक्योरिटी यूनिट। तो इसमें आप TCS की तरफ से जॉब भी पा सकते हो, और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं ये ज़्यादा मैटर है, तो आपको देख लो। इस में पार्टिसिपेट करने के लिए बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech, BE, MTech, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग ME, BCA वाले भी कर सकते हैं, BSc वाले भी कर सकते हैं, MCA वाले भी कर सकते हैं और MSc वाले भी कर सकते हैं। मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे है BCA, MCA, BTech और MTech और MSc लेवल पे ये अप्लाई कर सकते हो। और जो पार्टिसिपेंट होंगे उनको मैं बता दूं कि ये शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस कैसे होगा। पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको टोकन नंबर एंड ऑल द थिंग्स मिलेगा। तो सबसे पहला प्रोसीजर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि स्ट्रक्चर में डिटेल में दिया गया कि राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में क्या क्या पूछा जाएगा। तो राउंड 1 में अगर हम बात कर लें तो एक बिगनर लेवल चैलेंज होगा, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल चैलेंज होगा, उसके बाद एक्सपर्ट लेवल चैलेंज होगा राउंड 1 में। उसके बाद द पार्टिसिपेंट आर फ्री टू चूज चैलेंज फ्रॉम डिस्टिंक्ट कैटेगरी एंड और इनकाउंटर टू अटेम्प्ट ऑल चैलेंजर टू डिफरेंट कैटेगरी। राउंड 1 जो होगा वो होगा आपका 6 आवर ड्यूरेशन का, तो भैया अपना टाइम भी ले लीजिएगा, 6 आवर ड्यूरेशन का होगा। उसके अलावा फिर राउंड 2 पे आएंगे, तो पार्टिसिपेंट सेलेक्टेड फ्रॉम राउंड 1 विल बी एलिजिबल पार्टिसिपेट इन राउंड 2। तो जो राउंड 1 में सेलेक्टेड होंगे, जितने लोग सेलेक्टेड होंगे राउंड 1 में, वो राउंड 1 पास करेंगे, उसके बाद वो राउंड 2 में आएंगे। मतलब राउंड 1 पास जो करेगा वही राउंड 2 में आएगा। उसके बाद एक्टिविटी टेस्टिंग एंड होस्टेड चैलेंजेस कराया जाएगा। इसमें राउंड 2 में सिस्टम एक्सप्लॉयटेशन होगा, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड वेब एप्लीकेशन होगा, मोबाइल सिक्योरिटी होगा, डिजिटल फोरेंसिस होगा, थ्रेट हंटिंग होगा, इंसिडेंट होगा, सोर्स कोड एनालिसिस होगा, स्कोरिंग विल बेस्ड ऑन द फ्लैग कैप्चर्ड बाय द पार्टिसिपेंट इन द एबव मेंशन टॉपिक। उसके बाद केस एक्सप्लोरेशन होगा 2 to 3 आवर का, और ये रिमोटली होगा। देखो ये क्लियरली मेंशन किया गया है, रिमोटली होगा। ऐसा नहीं कि आपको किसी लोकेशन पे जाना, घर बैठे आप ये टेस्ट चैलेंज दोगे। डोमेन्स आप देख लो किस किस में होगा, जो डोमेन में पार्टिसिपेट कर सकते हो आप। एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, जावा, जेई, PHP, पाइथन है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट है, एथिकल हैकिंग है, डिजिटल फोरेंसिस है, थ्रेड हंटिंग है, मलवेयर एनालिसिस एंड रिवर्स इंजीनियरिंग है, एनी सिक्योरिटी स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन लाइक सिक्योरिटी CEH, ISO, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसमें भी आपने किया होगा। द पार्टिसिपेंट एंड वारंट्स दैट समथिंग। और देखो प्रॉपर वे में आपको दिया जाएगा ये टेस्ट, और प्रॉपर वे में अगर आप टेस्ट देते हैं तो यहाँ पे देखो टॉप 10 पार्टिसिपेंट फ्रॉम राउंड 2 भी इनवाइटेड टू अटेंड द अवार्ड सेरेमनी एंड इंटरेक्ट विद TCS लीडरशिप। भैया एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो अगर जो सेलेक्ट होंगे उसके बाद इसमें मैं बता दूं, अगर सेलेक्ट होंगे तो टोटल प्राइज वर्थ 5 लाख गिवन टू टॉप परफॉर्मर पार्टिसिपेंट। मतलब 5 लाख रुपए जो टॉप पार्टिसिपेंट होंगे जो अच्छा परफॉर्म करोगे। सोचो ना यार, 2 दिन के टेस्ट में अगर 5 लाख रुपए मिल जा रहा है, इससे बेटर मेरे को नहीं लगता है कि 50,000 रुपए महीने की जॉब है आपकी, 1 साल का आपका खर्चा पानी मिल जाएगा। तो देखो अगर TCS में जॉब करना है तो एक अच्छा खासा मौका है ये TCS आप लोगों को दे रहा है हैकाथॉन का। देखो आपको करना कुछ नहीं, जो प्रोसीजर मैंने बताया बस रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद, अच्छा रजिस्ट्रेशन का लिंक, ये जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, जहाँ पे जा करके आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखो रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये है रजिस्ट्रेशन का लिंक है कि यहाँ पे मे बी अभी DNS इशू हो रहा है, लेकिन इस लिंक पे आप लोग क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और
यहाँ पे भी जा करके आप चेक कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप ये कैंपस है। और यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज, किस में जाना है, आपको क्या करना है, तो यहाँ से पूरा स्टेप आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, आई थिंक जितने लोग भी इंजीनियरिंग कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, वो लोग एटलीस्ट इस फॉर्म को तो भरो भाई, आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और इसका आपको फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। वीडियो में इतना ही, और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।